So hello guys, in this video I'm going to solve this question, and this question is very important in trigonometry last exercise. और ये question काफ़ी difficult है, लोगों को समझ students को समझ में काफ़ी difficulty होती है. सो आइए मैं कैसे solve करते हैं इस question को, मैं अपने easiest way में बताऊँगा. सो आइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, left hand side को solve करते हैं हम. ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं यूजली, कभी कभार राइट हैंड को, लेकिन हम राइट लेफ्ट को यूज़ करेंगे. सो इसमें क्या है, सबसे पहले ना जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उनको सबको टेन में चेंज करना है मेरे को. ठीक है, टेन में या कोट में, तो टेन में करते हैं. टेन हम सीधे ज़्यादा हम फैमिलियर है, टेन थीटा वन अपॉन में टेन थीटा प्लस कोट थीटा, सॉरी कॉट को टेन में बदलना, हमें टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा. उसके बाद क्या करना है, हमें थोड़ा दूसरा कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो रेड लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नीचे को सॉल्व करेंगे टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा. ये हो गया ना वही. अब क्या करना है, हमें इसको ये वाले को सॉल्व कर देते हैं नीचे वाले को, इसको सो स्पेस है नहीं, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाओ, इसको मिटाओ. सो क्वेश्चन को नहीं मिटाते, इसको मिटाते हैं, और जो एक मिनट वन भी हो गया रेज. नाउ क्या स्टेप होगा हमारा, टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन एंड वन प्लस वन अपॉन में टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा गाइस. उसके बाद क्या करना है, जो ये टेन थीटा है, टेन थीटा माइनस वन है और वन माइनस टेन थीटा का, उसको सेम बनाना है. तो क्या करेंगे, इसमें माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे. ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका इसका माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो वन अपॉन में टेन थीटा माइनस वन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करते हैं इस फ्रैक्शन को आगे, यहीं कर दूँ. सो सपोज हमारा इसका फ्रैक्शन का वो क्या आएगा, एलसीएम टेन थीटा, टेन थीटा माइनस वन, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा हमारा, टेन क्यूब थीटा माइनस वन. ठीक है गाइस, सो एक बार और अच्छे से लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा ये जो, टेन क्यूब थीटा माइनस वन. अब क्या करना है, ये हो गया हमारा, इसमें लगाएंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें. सो लेट मी इरेज द ऊपर वाला. सो क्या स्टेप आएगा इसमें, टेन क्यूब थीटा माइनस वन, वन का क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह. गाइस काफ़ी लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, काफ़ी लंबा है और काफ़ी डिफिकल्ट है ये लास्ट एक्सरसाइज का. तो टेन थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, सॉरी वन अपॉन में टेन थीटा एंड टेन थीटा माइनस वन. तो टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस बन गया. सो नीचे क्या बचेगा हमारे, सो नीचे बचेगा हमारे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन अपॉन में टेन थीटा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसको अलग अलग कर देंगे हम.
तो बन जाएगा हमारा ये टेन थीटा, ये हो जाएगा वन, डिवाइड कर देंगे टेन थीटा का से सबको, तो ये हो जाएगा वन, ये बन जाएगा हमारा वन बाय टेन थीटा। अब क्या करना है हमें, टेन की वैल्यू, टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में रख देना है। तो साइन को इनकी फॉर्म में रखेंगे, साइन और कॉस की में, तो क्या बन जाएगा हमारा ये कुछ इस तरह बन जाएगा। सो बेसिकली, और वन को हम साइड में कर देंगे क्योंकि हमें वन चाहिए था, यहाँ यहाँ हमें वन चाहिए था और वन मिल गया, तो इन वन को साइड में रख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इससे वन अपॉन में टेन थीटा को हम साइड में ले आएंगे, और वन अपॉन टेन थीटा साइन कॉस में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस का फॉर्मला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस वन। गाइस, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको काफ़ी फैमिलियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का ये, कि कैसे सॉल्व होगा ये किस तरह से। सो साइन की साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में। आइडेंटिटी फॉर्म लगाइए अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपका हाथ बहुत टाइट है मैथ में। और ये हो जाएगा वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन। नाउ इसे सेक और कॉसेक की फॉर्म में लिखना है और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा स्टेप, हमारा स्टेप आ जाएगा ये सेक थीटा कॉस सेक थीटा, लेट मी राइट इट अगेन, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गाइस, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व, एंड आई होप कि अगर आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा फाइव मार्क्स का अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का आता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।